एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप देख सकते हैं कि बीपीएससी का जो रिजल्ट है वो कुछ दिन में जो है जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया है कि दिसंबर लास्ट तक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन कट ऑफ को लेकर जो है वो काफ़ी बहस जो है बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारी वीडियोज़ मिल जाएगी कट ऑफ को लेकर की। तो आज की इस वीडियो में हम जो है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखते हैं, और मतलब पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी, कौन कौन से सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी रही थी, उससे आगे की कट ऑफ का अनुमान जो है आप खुद लगा सकते हैं कंपटीशन को देख करके। सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो था वो 6 से लेकर के 8 तक वाले क्लास के लिए है, ठीक है ना, टीचर के लिए है। तो ये कट ऑफ है पिछले साल की, अगर आप देखेंगे, ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम जो हुआ था, पहली से पाँचवीं तक का जो कट ऑफ गया था बीपीएससी का पिछली बार, तो वो था जनरल का था 67 और फीमेल का था 57, ईडब्ल्यूएस का था 56, ईडब्ल्यूएस फीमेल का था 48 और ईबीसी का 55 गया था, ईबीसी फीमेल का 54 गया था, बीसी का 60 गया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जनरल का कट ऑफ था, ठीक है, पहली से पाँचवीं कक्षा के अध्यापक के लिए। और अगर बात करें नौवीं से दसवीं तक के कक्षा के अध्यापक की जो कट ऑफ गई थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो वो गई थी 74 जो है वो कट ऑफ गई थी पिछली बार, वो भी 9th और 10th की। तो इस बार की अगर हम बात करें 6 से लेकर के 8वीं तक की कट ऑफ जो है वो कितनी तक जाएगी, इस पर हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, फिर भी अधिकतर आप लोग देखेंगे तो 80 से प्लस जाने के चांसेस जो हैं वो बन रहे हैं। लेकिन हमेशा ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ गलत इसलिए हो जाती है क्योंकि बीपीएससी के द्वारा अलग अलग समय पे अलग अलग निर्णय लिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहले क्वालिफाइंग जो लैंग्वेज वाली बात अगर हम करें तो पहले वो क्वालिफाइंग होती थी, लेकिन अब उसको ज़ीरो कर दिया गया है, यानी कि अगर आप लैंग्वेज में पास हुए हो या ना हुए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो आप देखेंगे कई सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अब जो हैं और कहीं ना कहीं कंपटीशन में शामिल हो गए होंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स या कहें कि जो लैंग्वेज थी उससे अधिकतर बच्चे जो हैं भीड़ जो है वो ख़त्म हो रही थी, लेकिन बीपीएससी ने ज़ीरो कर दिया है किसको, लैंग्वेज को, लैंग्वेज के मार्क्स को, तो इससे भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई है। तो कट ऑफ का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। अधिकतर लोग अभी भी बोल रहे हैं कि 80 प्लस कट ऑफ देखने को मिल सकती है जनरल कैंडिडेट के लिए। पिछली बार आप देखेंगे नौवीं से दसवीं तक के लिए सोशल साइंस की कट ऑफ 74 थी, ठीक है, और अनरिजर्व के लिए 67 गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 थी, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 62 गई थी, ईबीसी के लिए 68 गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से एसटी की, एससी की बात करें 47 गई थी और एसटी की 52 गई थी, ठीक है। सोशल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करूँ तो 72 गई थी जनरल कैंडिडेट के लिए, और जनरल क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं तो उसमें अदर स्टेट वाले भी आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इसलिए कारण जो है अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो हाई होती है। तो आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल की अलग बनी थी कट ऑफ, ठीक है, फीमेल की कट ऑफ जो है वो अलग बनी थी अनरिजर्व कैटेगरी में भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 74 था और ये 67 था, ठीक है ना, फीमेल और फीमेल का। और अगर हम बात करें 11th से 12th की, ठीक है ना, 11th से 12th क्लास के टीचर की, तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो गई थी हिंदी के लिए, आप देखेंगे अनरिजर्व के लिए 39 गई थी सिर्फ, ठीक है, और अनरिजर्व फीमेल के लिए तो कोई मतलब एप्लीकेबल ही नहीं हुआ, ठीक। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए गई थी 53 सिर्फ गई थी, ठीक है, 53 गई थी 11th और 12th के लिए। ये तो थी लैंग्वेज की। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो कई स्टूडेंट बोल रहे थे केमिस्ट्री का तो 39 गया था पिछली बार, इकोनॉमिक्स का 44 गया था, अनरिजर्व कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें ज्योग्राफी का 40 गया था, और फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो 39 गया था, सोशोलॉजी की 39, फिलॉसफी की 39, पॉलिटिकल साइंस की 39 गई थी सिर्फ, ठीक है ना, 39, और होम साइंस की 40 गई थी। तो आप देखेंगे 50 से ज़्यादा तो कट ऑफ गई ही नहीं थी 11th और 12th क्लास की टीचर्स के लिए, ठीक है। तो वैकेंसी क्योंकि काफ़ी सारी बच गई थी तो उसी कारण जो है इस बार वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली। इस बार भर्ती है तो भर्ती है, नहीं भर्ती है तो अगली बार फिर यही वैकेंसी जो है रिवाइज करके फिर निकाली जाएगी बीपीएससी 3.0 के नाम से, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री का अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री की 70 गई थी कट ऑफ, ठीक है ना, हिस्ट्री की कट ऑफ जो थी वो सबसे ज़्यादा थी सब्जेक्ट वाइज में 11th और 12th की टीचर के लिए,
ठीक है, नेगेटिव मार्किंग पहले भी नहीं थी और इस बार भी नहीं है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कट ऑफ जारी की गई थी पिछली बार, तो इस बार की कट ऑफ कितनी जाती है देखते हैं। आपको पिछले साल का कट ऑफ देखकर यह अनुमान लग गया होगा कि लेवल क्या था एग्जाम का और क्या रही थी और क्या आगे कट ऑफ जो है जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए। और अगर अभी तक आपने जो है अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया है तो ज़रूर उसको जो है फिल कर दें, क्योंकि ऑप्शन दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, आपको 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो है चूज़ करने हैं जहाँ पर आपको जो है आपकी अपॉइंटमेंट या आपको जो है अलॉट किए जाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट बीपीएससी के द्वारा। तो 3 चॉइस मांग रखी है, तो आप उसे ज़रूर फिलअप करें, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। किसी प्रकार की और अपडेट चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।